समझे तो भाई अपेक्षा करता हूं कि निश्चित रूप से आगरे की जनता को आगरे जनता के लिए सेवा का कार्य करेंगी और हम अधिवक्ताओं की मांग है बहुत पुरानी मांग चली आ रही है जे शहरवासी सभी जानते हैं हाईकोर्ट की आवाज को नेतृत्व तक पहुंचाएंगी ऐसी आपसे अपेक्षा करते हैं बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करूंगा पूर्व अध्यक्ष मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबसे अच्छा तो उत्साह देख के लग रहा है कल इतना सुंदर वातावरण था आगरा में सब मुझसे मिलने आए और खूब हमने चर्चाएं की आगरा के बारे में भाजपा ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसमें अपना काम आपको ये कैसे लगा कि मैं बीजेपी पार्टी में जाऊँ और बीजेपी पार्टी में आने के बाद आपका पहला जैसा कि आप जानते हैं अगर महिलाओं का कहीं सम्मान है तो बीजेपी की पार्टी है आज कैबिनेट में 11 महिला मंत्री हैं तो हमें लगता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं को ही आगे आना पड़ेगा चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो सब क्षेत्र में और पॉलिटिक्स उससे कहीं बाहर नहीं है आपने सिर्फ ऐसा क्या देगा बीजेपी पार्टी में सिर्फ आपने बीजेपी ही ज्वाइन करी कांग्रेस सपा और बीजेपी पार्टी सब वर्ग की पार्टी है यहाँ सब वर्ग की सुनवाई आप एक बात बताइए महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो 3 तलाक महिलाओं के लिए बात करें तो आप अच्छा रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट आई थिंक बीजेपी इज द बेस्ट पार्टी फॉर द वुमेन फॉर एनी पर्सन टू जॉइन नितिन वर्मा एडवोकेट मंडल अध्यक्ष युवा अधिवक्ता संघ देखिए डॉक्टर वीना लमानिया जी जो समाज सेवी हैं कोरोना काल में उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए जो निहित और वैसे व्यक्ति थे नीचे की लाइन के तबके के जो व्यक्ति थे उनको राहत सामग्री उपलब्ध कराई भोजन सामग्री उपलब्ध कराई दवाइयाँ उपलब्ध कराई लोगों का इलाज कराया तो आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है समाज सेवा में अग्रणी भूमिका उनकी रही है तो आज हम सभी सामाजिक संगठनों के लोग चाहे वे अधिवक्ता हों चाहे वे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लोग हों चाहे वो क्या नाम है इधर जाट समाज के लोग हों कई सारे सामाजिक लोगों के द्वारा आज उनका